सभी भाइयों और मित्रों का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। तो भाइयों, मैं स्टार्टर बनाने जा रहा हूँ और ये जो सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हो, एमसीपी लेकर जो रिले लगा हुआ है, ओवरलोड, ओवर करंट वगैरह, वोल्टेज सारा का, और जो ये कॉन्ट्रेक्टर है, इनका सारा लिंक मैंने अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने अमेजोन से ख़रीदा है। तो आप देखते जाइए मैं कैसे क्या इसकी वायरिंग करता हूँ, और पूरी वायरिंग करने के बाद मैं चक्की के ऊपर लगाऊंगा और आपको चालू करके ही बताऊंगा। तो देख सकते हो मैंने ये एमसीपी का फर्स्ट कनेक्शन किया है, जो 220 वोल्टेज दिए हैं मैंने, ठीक है ना। न्यूट्रल और फेस ये दोनों दिए हुए हैं, देख सकते हो आप। और ये बीच में जो लग रहा है ये रिले है दोस्तों, और लास्ट में ये इसमें ये कनेक्शन दे रहा हूँ, ये कॉन्टेक्टर है। जो कॉन्टेक्टर होता है, एक स्विच होता है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोला जाता है उसको, जिसे आप लैंप का स्विच होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोलते हैं इसको, ये, ठीक है ना। तो इसमें 220 वोल्टेज जैसे प्रोवाइड होंगे तो कॉन्टेक्टर ऑन होगा। और ये है NONC स्विच है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक स्विच ऑन करने का है, दूसरा स्विच ऑफ करने का है। और आप वायरिंग देखते जाइए, अगर आपको कोई भी डाउट है वायरिंग में, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में आपका सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों। और दूसरा, थोड़ा बहुत जानकारी आपको भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट क्या काम करता है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वो किसी की, तो उसके बारे में आप काम नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, रिले का कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। और ये स्विच में लगाया है मैंने, यानी कि जो ये कंट्रोलर है इसमें ओवरलोड, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, यानी कि इसका भी प्रोग्राम होता है दोस्तों। प्रोग्राम के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी बारीकी से समझाना पड़ता है दोस्तों। और देखो, मैंने ये सारी स्विच की वायरिंग की है, अब देखो वोल्टेज इसमें आ चुके हैं, 245 वोल्टेज शो हो रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो आप। और एम्पियर अभी जीरो ही शो होंगे। और ये डिजिटल टेस्टर है, मैं टेस्टर से आपको टेस्टिंग करके बताऊंगा। एक बार इसमें सप्लाई देखो आप, बीप की आवाज़ सुने दे रही होगी, जैसे ही देखो ऑन किया, ऑफ किया, ये देखिए आप, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। और ये वाला आप जो स्विच मैं बता रहा हूँ आपको ऑन ऑफ करके, ये आप कहीं पर भी, आप अपने सुविधा अनुसार कहीं पर भी लगा सकते हो। और मैं एक MCP बॉक्स लाया था, तो मैंने सोचा इसमें इसकी सारी इनकी फिटिंग इसमें कर दूं तो क्या आसानी रहेगी, और व्यवस्थित भी लगेगा। तो देखो सारे प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे फिटिंग कर दी है, और यहाँ पे देखो मैंने तीनों ये लगा दिए हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा काम है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो 238 वोल्टेज शो हो रहे हैं, 0.0 एम्पियर आ रहा है। और ये कनेक्शन देखो मोटर का है, ये है इन, जो ये MCP लग रही है यहाँ पे, ये वाला, ये है इन, और जो केबल लग रही है वो मोटर में जा रही है, वाली केबल मैंने हाथ लगाई हुई है, ये मोटर में जा रही है दोस्तों। और चक्की की मोटर है, मैं अभी आपको बताऊंगा चक्की की मोटर। और ये वाला देखो, मैंने ये स्विच है ऑन ऑफ करने का, 3 वायर लगे हुए हैं इसमें। और कनेक्शन कैसे किया है मैंने बताया आपको, और भी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा। और देख सकते हो अभी हम चालू करेंगे, और इसका प्रोग्राम भी करना होता है, क्योंकि एक बार मैंने मोटर ऑन किया था तो डायरेक्ट ही बंद हो गया था, क्योंकि जैसे ही ऑन करते हैं सिंगल फेज की मोटर तो एकदम से एम्पियर हाई होता है और वोल्टेज एकदम से डाउन होता है। तो उसके लिए मैंने उसमें सेकंड बढ़ाए थे कुछ सेकंड के लिए। तो इसमें प्रोग्राम सब तरह से अपन अपने हिसाब से सब सेट कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, जितना वोल्टेज, जितना एम्पियर वगैरह। तो ये 32 एम्पियर तक रन करता है, और 01 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर, यानी कि आप आधा HP से कम की मोटर भी चला सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 HP तक भी चला सकते हो। तो देखो मैंने मोटर चालू कर दी है चक्की की, और ये दोनों स्विच हैं, आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो इन स्विच को। और अमेज़ोन से मैंने सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए, क्योंकि आपको भी अगर बनाना चाहो तो आप आसानी रहे बनाने में। और बनाते समय इस विशेष बात का ध्यान रखें कि इसकी वायरिंग कोई भी करे तो हेवी वायर लें,
6 mm का वायर कम से कम लेना ज़रूरी है और वायरिंग को अच्छे से टाइट करें, लूज़ ना रखें दोस्तों। लूज़ होने से क्या होता है, स्पार्किंग होता है और प्लास्टिक के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो जलने के और ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप वायरिंग हेवी लोगे और बढ़िया से टाइट करोगे तो आपका कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इनको, क्योंकि यूज़ होना चाहिए। ज़्यादातर प्रोडक्ट ख़राब होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, एनसीबी हो, कोई भी हो, यूज़ होना से ही ख़राब होता है, बाकी कुछ नहीं होता है इनका। देखो बहुत बढ़िया तरीके से वर्किंग कर रहा है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में चक्की का स्टेटर लेके आऊँगा, जो बड़ा वाला स्टेटर होता है डिजिटल, उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। और देखो ये चक्की चालू है एकदम, और मैंने इसको ट्रिप करके भी देखा है। मैंने ज़्यादा गेहूँ डाल के, मतलब अनाज ज़्यादा प्रेशर देकर के ट्रिपिंग करके भी बताया इनको, तो इनके मैं अपने सुविधा अनुसार इसमें सेकंड भी सेट किए थे कि इतने सेकंड तक आपकी चक्की अगर ओवरलोड चलेगी तो ट्रिप हो जाएगा, है ना। तो अपने सुविधा अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इसका प्रोग्राम। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।